जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मरने वाले की आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में रहती है। ऐसी स्थिति में घर में गरुड़ पुराण का पाठ करने से मरने वाली आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, नीति नियम और धर्म से जुड़ी कई बातों का वर्णन है। गरुड़ पुराण में जीवन और मौत का रहस्य छिपा हुआ है। इसमें किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। मरने के बाद आत्मा 13 दिनों तक उसी घर में रहती है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि गरुड़ पुराण के माध्यम से मृतक को स्वर्ग नरक गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति जैसी गतियों की जानकारी हो जाती है। शरीर को त्यागने के बाद मृतक की आगे की यात्रा कैसी होगी, किस लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी बातें वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ करने से मृतक के परिजनों को भी सत्कर्म और सद्गति की जानकारी मिलती है। मित्रों, आप सभी का धर्म ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के 3 महत्वपूर्ण सवाल है जिनका उत्तर जानना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला प्रश्न यह है कि जब मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे कितना दर्द होता है। वही दूसरा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृत्यु के बाद इंसान को कौन सी सजा मिलती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मृत्यु के समय होने वाले दर्द के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय जैसे ही यमराज के दूत व्यक्ति के पास आते हैं और उसके प्राण निकालते हैं, तो उस दौरान व्यक्ति को बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है। साथ ही व्यक्ति का मुंह अंदर से सूखने लगता है और उसकी लार आने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी व्यक्ति के प्राणवायु नीचे के मार्ग के निकलते हैं। जब मृत्यु होती है तो भयंकर कष्ट होता है। जब यह आती है तो शरीर में वायु का दाब बहुत ज्यादा होने लगता है। उसी समय हमारे मस्तिष्क में भयंकर दर्द और पीड़ा होती है, भले ही वह किसी को दिखे या नहीं। उस भयंकर पीड़ा में मस्तिष्क की सभी स्मृति एक साथ दिखती है और खत्म होती जाती है। सभी स्मृति खत्म होने के कारण अगले जन्म में मनुष्य के पास पिछले जन्म की कोई स्मृति नहीं रहती। जिनकी स्मृति पूरी नष्ट नहीं होती उन्हें अगले जन्म में सब याद आ जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ महीनों पहले व्यक्ति की जीभ उचित तरह से काम करना बंद कर देती है। उसे भोजन का सही स्वाद नहीं मिलता, बोलने में भी परेशानी आने लगती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के प्रकाश को देखने में असमर्थता महसूस करने लगे तो ये संकेत है कि जीवन के बस कुछ क्षण ही बचे हैं। अब जानेंगे दूसरे सवाल के उत्तर के बारे में कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते कि हमारे शरीर नश्वर है और यह बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहता है, लेकिन मरता सिर्फ हमारा शरीर ही है, इसके अंदर रहने वाली आत्मा को कुछ नहीं होता है। वह शरीर की मृत्यु के बाद वह आत्मा एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है और यह सिलसिला चलता रहता है। मगर आज हम लोग जानेंगे कि मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जैसे ही एक आत्मा अपना शरीर का त्याग करता है तो उस आत्मा को परलोक ले जाने के लिए यम का दूत पहले से ही वहाँ मौजूद होता है, जिन्हें उन यमदूतों को देखकर अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति का आत्मा बड़ी ही आसानी के साथ उनके साथ चल देते हैं। लेकिन बुरे कर्म करने वालों की आत्मा को यमदूत द्वारा जबरदस्ती खींच कर ले जाया जाता है, जिसके बाद उन यमदूतों द्वारा आत्माओं को ले जाकर यमराज के सामने उपस्थित करते हैं, जहाँ पर उन आत्माओं द्वारा जीवन में किया गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देते हैं और 24 घंटे तक वह आत्मा यमलोक में ही रहती है। उसके बाद यमदूत 24 घंटे के बाद उन आत्माओं को वही ले जाकर छोड़ देते हैं जिस घर में उसकी मृत्यु हुई थी, जिसके बाद यहाँ वह आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है।
और फिर 13 दिनों के पश्चात अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी क्रियाएं समाप्त होने पर यमदूत उन्हें फिर से लेने आते हैं और उन्हें अपने साथ यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां उन्हें जब लोक तक पहुंचने वाली मार्ग में अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, जिसमें इंसान के मरने के बाद सजाओं का वर्णन किया गया। गरुड़ पुराण में यह वर्णन मिलता है कि व्यक्ति को मरने के बाद कौन से कष्ट झेलने पड़ते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में ऐसे सभी कामों को पाप माना गया जो कि धर्म के विरुद्ध किए गए हों। वहीं व्यक्ति को अपने गलत आचरण और बुरे कर्मों के कारण प्रेत योनिकों में जाना पड़ता है, साथ ही उसे नरक में सजा भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों बड़े बड़े कड़ाहों में गर्म तेल डालकर तला जाता है। मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार स्वर्ग व नरक में भेजा जाता है, जहाँ मनुष्य को स्वर्ग में सुख ही सुख मिलता है, वहीं नरक में पापों के मुताबिक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पापों की कीमत चुकाने के बाद ही मुक्ति मिलती है। मित्रों, आज का विषय यही समाप्त होता है। आप सभी से विनती है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट में जय श्री राम लिखो।